नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बेहद बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है साथियों, सिंधु नदी में। जी हां दोस्तों, एक नाव पलटने से 23 लोगों की मौत हो गई है, 26 लोग लापता है। अब तक बात करें दोस्तों, 70 लोगों को बेहाल हो गया है। जी हां, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है साथियों, सिंधु नदी में नाव पलटने से 25 की मौत हो गई है साथियों, 30 लोग अभी भी लापता है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लापताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें दोस्तों लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। खबर पाकिस्तान में, पंजाब सिंध सीमा क्षेत्र के पास सिंधु नदी में एक नाव पलट जाने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 लोग लापता हैं। जी हां दोस्तों, अत्यंत द न्यूज़ ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि अधिकारियों ने बताया कि नाव पलटने की दुर्घटना सोमवार शाम को घटित हुई। स्थानीय लोगों ने 45 लोगों को बचाने में कामयाब रहे, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार होने से दुर्घटना घटी है। नाव में महिला और बच्चे भी सवार थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दुर्घटना पर दुख और संवेदना व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अभी अभी 23 महिलाओं की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, बेहद बुरी खबर, 26 लापता है। ये दर्दनाक हादसा था। जी हाँ।